अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर फाजे एंड फूड कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी भेज बाल की रेसिपी। ये मैंने ले ली हुई भेज बाल मिक्स, इसमें है चावली, मूंग, मटकी, राजमा और छोले। अभी मैं इसमें डाल लूँगी नमक और डाल लूँगी हल्दी। इसको कुकर में सीटी आने के लिए छोड़ दूँगी। मैं कम से कम 5 से 6 सीटी लगाऊंगी और ये सीटी आ चुकी है। जब तक ये अच्छे से गल ना जाए, अभी हम कर लेंगे इसका सालन बनाने की तैयारी। ये मैं काट लूँगी कांदा, टमाटर और हरी मिर्ची। इन तीनों चीज़ों को मैं काट लूँगी। ये मैंने तीनों चीज़ों को काट ली हूँ। अभी मैं ले लूँगी एक टोप, उसमें ले लूँगी तेल और डाल लूँगी ज़ीरा। और ये कुछ इस तरीके से मैंने पका ली थी भेल बाल को। अभी मैं इसमें डाल लूँगी प्याज। और डाल लूँगी इसमें मैं कड़ी पत्ता। इसको थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। अभी मैं इसमें डाल लूँगी हरी मिर्ची और इसको मिक्स करके पका लूँगी। अभी मैं इसमें डाल लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से मिक्स करके पका लूँगी। और फिर इसमें मैं डाल लूँगी टमाटर जो हमने काटे थे। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। और इसमें डाल लूँगी उबली हुई भेल बाल और इसको पका लूँगी। इसकी मैं वीडियो क्लिप लेना भूल गई थी। और ये बन रही है रोटी। इतने आटा बाकी है अभी रोटी बनने के लिए। आज रात के खाने में हम लोग ने ये बनाए थे, भेल बाल का सालन, रोटी और हम लोग ने बनाए थे भुर्जी। ये भुर्जी भी बनकर रेडी है। और ये रोटी बनकर रेडी हो गई थी और सालन भी तैयार हो गया था। हम सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। आपको हमारी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नए ब्लॉग के साथ।